चंद्रपद ने चले राज राज आने वाला के दास है नहीं। और ये भाई जी अभी डोली नचा रहे थे, तो आप इसके बारे में कुछ बता दोगे? सुरक्षा बनाए रखेंगे। कैसे आप सभी लोग छोटे बड़े बूढ़े और हमारी दीदी बोली, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो का टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा, आज का वीडियो कुछ इससे है, जो कि अभी हम यहाँ पर आए हैं, जो कि टीरी थॉल कॉथिक हो रहा है। और यहाँ पर मतलब एक तरीके का मेला लगता है। सबसे पहले थे पार्वती है रूप तो अत्याचार कना लगे मेरे जो तब धगे है माता है काली अवतार काली आल माता तुन हाथ को हथियार जो अपना अपना स्थान ग्रहण करें, सभी को माता के दर्शन होंगे, कृपया सभी स्थान ग्रहण करें, व्यवस्था बनाए रखें। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, देवियों का नवरात्रों में देवियों के साक्षात कृपया सभी से निवेदन है। पीछे जो लोग बैठे हैं नवरात्रों में कितना सुंदर दृश्य है, माँ भद्रकाली माँ सुकंडा माँ राजेश्वरी की गली हमारे बीच पहुँच चुकी है, बहुत ही सुंदर दृश्य है नवरात्रों में, जिसे हमारे पहाड़ की संस्कृति हमारे पहाड़ की भूमि आपने देखा होगा, हमारे पहाड़ में देवियों की डोली माँ भद्रकाली की डोली माँ सुरकंडा की डोली माँ राजेश्वरी की डोली जी आप बनाओ।
तो अभी पीछे चल रहा है ये कार्यक्रम चल रहा है पीछे, और अभी आपने देखा होगा कि डोली नाच रही थी, डोलियां आपने देखी पीछे, और यहाँ पर पूरा कार्यक्रम जो है ये पीछे चल रहा है बानियावाला के कोटी कोटी, और ये एक सरकारी स्कूल है जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, इसका नाम टीरी थॉल कॉथिक नाम से है, और ये पीछे माता मेरी, जय जय ऋतुराज जी को मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा, मैं महाराज जी को स्वामी त्रिभुवनदास जी को मंच पे बुलाना चाहूंगा, आमंत्रित करना चाहूंगा, भरत सिंह राणा जी को डीआईजी पूर्व बीएसएफ, आप व्यवस्थित रहे, आप इस तरह से माँ के दर्शन के लिए आए और माँ के दर्शन किए बगैर ही भाग रहे, आपकी श्रद्धा को नमन। भाई जी इनका भी चैनल है, किस नाम से भाई जी आपका? भद्रकाली चौकी देहरादून। अच्छा, और ये भाई जी अभी डोली नचा रहे थे, तो मुझे डोली के बारे में, मैंने पहली बार देखा ये डोली जैसे नाचती है, ये पहली बार देखा मैंने, तो आप इसके बारे में कुछ बता दोगे? भाई माँ भद्रकाली डोली देहरादून में रहती है, पहले माता की जो माता जहाँ से उत्पन्न हुई है, एक उत्तरकाशी में ब्रह्मखाल नाम की जगह है, वहाँ से माता उत्पन्न हुई है, वहाँ माँ का जन्म हुआ है। तो ये भाई जी के सहयोगी हैं, भाई जी आपका नाम? मेरा नाम राहुल है। अच्छा, ये भाई जी अपना नाम? मेरा नाम विक्की रावत जी है। विक्की रावत है, और भाई अपना नाम बता दो, अपना अपना हिमांशु, और भाई अपना नाम? प्रियांशु नेगी। प्रियांशु नेगी, तो भाई डोली के बारे में थोड़ा बहुत बता देना कि खुद ही नाचती है या फिर कैसे, मतलब आप कहाँ से डोली को लेके आए हो यहाँ पर? एक डोली होती है जो उसके अंदर एक मूर्ति की स्थापना करी जाती है, उसमें मतलब प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है, फिर इसमें डोली में दीवान साहब है जो खुद ही उछलती है, नाचती है। अच्छा अच्छा अच्छा, खुद ही नाचती है। तो ये कार्यक्रम जो है 4 बजे से स्टार्ट हुआ, और अब क्या है ये 8 बजे तक, मतलब 8 बजे तक खत्म, थोड़ा रेस्ट करना है अभी, तो दोबारा डोली उठेगी लास्ट टाइम में, फिर जाते हुए सबको आशीर्वाद देगी, फिर जाके। अच्छा अच्छा अच्छा, स्थान के लिए। अच्छा अच्छा, चलो भाई धन्यवाद। ये दास जी गढ़वाली में तो बोलते हैं, तो ये दास है ना, कहाँ का दास है तुम? बानेवाला के दास है नी। अरे यून डोली नचाई अभी बढ़िया सी, तो कुछ बताई दी अपना बारे में जरा, कह रहे यार क्या नाम है तुम्हारा? राकेश लाल जी। अच्छा, मैं विस्थापित क्षेत्र बानेवाला। अच्छा अच्छा, मैं विकित जो क्षेत्र 10 साल बेटी डोली नचाने लगी हूँ। अच्छा, 10 साल बेटी ना डोली नचाने। अच्छा, माँ भद्रकाली की कृपा बहुत बढ़िया है। सहयोगी है जगतम्मा वर्तमान जी। जगतम्मा वर्तमान जी। अच्छा, मैं अभी कब साल से काम कर रहा हूँ? अच्छा, कितने साल से? मैं कम से कम 15-16 साल से कर रहा हूँ। 15-16 साल से आप काम कर रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी यहाँ रहता हूँ विस्थापित में। अच्छा अच्छा, मेरे साथ रहते हैं, हम बराबर काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, माता की कृपा से मैं केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया हमें। तो अभी हम बाहर आ चुके हैं, 8 बजे तक ये कार्यक्रम पूरा चलेगा, हम अभी घर जा रहे हैं, और अभी जो हवा चल रही है वो काफ़ी तेज़ चल रही है यहाँ पर, और तो अभी हम घर जा रहे हैं, और ये वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था डोली के साथ, क्योंकि मैंने पहले डोली अपने सामने कभी नहीं देखी थी, वीडियो में बहुत देखी थी लेकिन सामने कभी डोली देखी नहीं, तो ये पहला एक्सपीरियंस था मेरा डोली का, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया, आशा करता हूँ आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।